दिलीप सेन जी के मार्गदर्शन में विमल जी ने ये गाना लिखा हुआ है और राजेश जी डायरेक्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अनुभव दिलीप सेन जी का रहा है और मैंने खुद ये गाना अभी सुना है, उसका लाभ लिया है। आने वाले समय में नवरात्रि आ रही है और ये गाना जो है वो पूरी तरीके से देवी माँ के तरफ प्रेरित है और बगलामुखी मैया और बगलामुखी की जो पूजा है वो पूरे देश भर में संकट विमोचन के स्वरूप देखा जाता है। मुझे लगता है कि हमारे जैसे जो श्रद्धालु है वो निश्चित तौर पर ऐसे गानों का निश्चित तौर पर उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करेंगे, आनंद लेंगे और उसकी भक्ति हमेशा इस गाने के माध्यम से हम करते आएंगे। मुझे लगता है ये भक्तों के लिए बहुत बड़ा एक सुवर्ण संदेश है और इस पिक्चर के माध्यम से बगलामुखी देवी और बगलामुखी यंत्र और बगलामुखी की जो पूरी जो उसका जो विशेष है वो इस पिक्चर के माध्यम से आप सबको देखने मिलेगा। आप क्या कहना चाहेंगे दिलीप सर, आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं यही कहूँगा कि सबसे तो हमारे पूजनीय मतलब राणे साहब आए हैं, यानी अभिजीत राणे साहब को कौन नहीं जानता, ये हमारी महाराज की शान आन बान है और हमारे लाडले भाई साहब हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो दो गाने अभी आप लोगों ने सुने हैं, तो विमल कुमार जी ने लिखे हैं, राजेश भट्ट साहब ने डायरेक्ट किया और हमारे शब्बीर भाई ने इसमें मेहनत की और बाकी जितने भी हमारे लोग यहाँ आए, हमारे अरविंद जी हैं, आनंद जी, अपना प्रदीप जी हैं, अपना क्या नाम कमलेश जी हैं, पुष्पा जी हैं और दिलीप सेन खुद हैं। तो कहने का मतलब ये कि भाई संगीत तो जब जब मैंने दिया तो कुछ अलग ही दिया है, मगर ये दो गाने मेरे ज़िंदगी के बहुत ही नज़दीक, दिल के नज़दीक रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये जैसे आप लोगों ने सब ने पुरानी पिक्चरों में पुराने गानों से मुझे प्यार और आशीर्वाद दिया है, इन गानों के माध्यम से और इस फिल्म के माध्यम से भी मुझे प्यार और आशीर्वाद देंगे। मैं चाहूँगा गुरु जी दो शब्द बोलें। इन दोनों गीतों को जो मूर्त रूप दिया है, जिस तरीके से प्रस्तुत किया है, माता रानी बगलामुखी देवी का गीत तो मैंने लिखा, लेकिन लिखने के बाद जो हमारे दिलीप सेन साहब ने और हमारे राजेश भाई साहब ने और हमारे आदरणीय संजय सिंह जी ने जो उसमें जान डाली है, गीत के बोलों को ऐसा लग रहा है कि गीत अपने आप आकर बोल रहा है, ये इन लोगों का है। और आदरणीय हमारे राणा साहब आए हुए हैं, आदरणीय हमारी बहन ये पुष्पा हैं यहाँ पर। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो गीत है ये माता रानी के प्रति जिस व्यक्ति की भी श्रद्धा होगी, जिसकी आस्था होगी, जिसका समर्पण होगा और जो माता रानी के चरणों में बैठकर उनका आशीर्वाद लेगा, निश्चित मानिए वो आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा, उसको आगे बढ़ने उन्नति करने से कोई रोक नहीं सकता। बेशक बेशक। दूसरा जो गीत आया है समय की धारा, समय की धारा आपने देखा सुना, देखिए समय की धारा में यदि बच्चों के अच्छे संस्कार नहीं होते हैं तो संस्कार विहीन बच्चे अपने माता पिता की भी कोई इज्जत अदब आदर सम्मान नहीं करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो उनके जो माता पिता हैं एक देवता के तुल्य होते हैं, ईश्वर के तुल्य होते हैं, उनको भी वृद्ध आश्रम तक जाना पड़ता है। मैं गीत के माध्यम से माता रानी के आशीर्वाद से ये कहना चाहता हूँ कि हर बच्चे का ये कर्तव्य है कि वो अच्छे संस्कार ले और अपने माता पिता की जमकर सेवा करे, दिल से सेवा करे। जय माई की, जय माई की। माई फ्रेंड गणेशा, मैं कृष्णा हूँ, मेरे गरीब नवाज ख्वाजा, मेरे ख्वाजा, और फिर और न्याज और नमाज और सत्य साईं बाबा और बगलामुखी मैया मौका मिला। आपको क्या बताएं कि क्या करिश्मा है, मैं खुद हैरान हुआ। दो दिन में सारी चीज़ें हुई और इतनी बड़ी पार्टी अल्लाह ने कर दी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सर ने जो मैसेज दिया है कि पीर पैगंबर पंडितों पर भी जादू टोना होती थी, लेकिन ये मैसेज ऐसा था कि कोने कोने पे गुलशन कुमार पहुंचाना चाहते थे। हम उनका आधार ही है कि कौन सी ऐसी मंदिर थी जो गुलशन कुमार जी को मालूम नहीं थी और वहाँ जा जा के उन्होंने गाना बनाया और कोने कोने तक के चीज़ों को पहुंचाया और साथ साथ एक एक कोने में मालूम पड़ा कि ये भगवान है। जय संतोषी माँ को कोई नहीं जानते थे, लेकिन 25 थिएटर में सिल्वर जुबली हुई और लोगों तक वो चीज़ें पहुँची। गरीब नवाज जैसे माता रानी और पीर पैगंबरों पे भी जैसे मैं बताना चाह रहा था कि वो काम किए और नाम कमाया। साथ ही साथ दोस्तों के बच्चों का इन्होंने बताया कि दुनिया से जीते औलाद से हारे। बेशक
और वो मैसेज है, वो नाकारा बच्चे हैं जो माँ बाप को समझते नहीं। हमको तो अपने बच्चों पे नाज है, हमको अपने बच्चों पे नाज है। अल्लाह ने एक लड़का एक लड़की दी, लेकिन दोनों ने एक ने फरमा बरदार है। आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू सर। शुक्रगुजार होना चाहिए गुरु जी का जिसने इतने अच्छे गीत लिखे, और उसके लिखने के बाद उनके सोचने के बाद ही सबका रोल यहाँ पर शुरू होता है। तो हम सभी को शुक्रगुजार होना चाहिए, और आगे भी ऐसे गीत लिखे जाएंगे और गाए जाएंगे और वीडियो बनेंगे, पिक्चर बनेगी, फिल्म बनेंगे इस पर। और शुरुआत हर चीज़ की माता रानी से होती है, इसलिए हमने शुरुआत माता रानी से करी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ए फोटो ले। सबसे पहले एक ही बात कहूँगा कि कमर्शियल फिल्में, कमर्शियल एल्बम वो पैसों से बनते हैं, और ऐसी चीज़ें जो बनती है वो देवी देवताओं के आशीर्वाद से बनती है, बस खत्म होता है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।